महंगाई की चक्की में पिसी आवाम पर एक और महंगाई बम गिरा दिया गया। एलपीजी की कीमतों में 5 रुपए 50 पैसे का इजाफा। घरेलू सिलेंडर 65 पैसे 68 पैसे महंगा। कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 252 रुपए बढ़ गई। लाहौर हाई कोर्ट की माल रोड को असल हालत में बहाल करने के लिए 15 रोज की मोहलत। अदालत का मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन को अदालती अहकाम पर मनोवन अमल करने का हुक्म। माल रोड को हर सूरत असल हालत में बहाल करना है। जस्टिस अली अकबर कुरैशी। पैरागोन हाउसिंग सोसाइटी स्कैंडल में पहली बड़ी गिरफ्तारी। नैब ने साबिक एमपीए कैसर अमीन भट्ट को गिरफ्तार कर लिया। कैसर अमीन भट्ट पैरागोन सोसाइटी के चेयरमैन के तौर पर काम कर रहे थे और पार्टनर भी थे। जराए आशियाना इकबाल स्कैंडल। नैब की 2 रोज के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। एहतसाब अदालत ने फवाद हसन फवाद का 14 रोजा जुडिशल रिमांड दे दिया। पुलिस एहलकार पेशी से वापसी पर बगैर हथकड़ियां लगाए फवाद हसन फवाद को जेल ले गए। अदालत ने अहचीमा बिलाल कुदवाई इम्तियाज हैदर शाहिद शफीक इसरार सईद और आरिफ भट्ट का 15 रोजा जुडिशल रिमांड दे दिया। मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन के इजलास में शदीद हंगामा आ रहा है। लीग चेयरमैन मोहम्मद बाबर की जानिब से इमरान खान को चोर कहने पर अपोजिशन का शदीद एहतजाज। अपोजिशन लीडर अफीफ सदीकी की नामुनासिब अल्फाज हस्त करने की इस्तदा मुस्तरद। स्पीकर नजीर खान सवाती ने इस्तदा पर कान ना धरे। अपोजिशन और हुकूमती पंजों से नारेबाजी। हर रोज बल्दियात निजाम को लपेटने की बात की जाती है। यूसी चेयरमैन चौधरी तारिक महमूद ने बल्दियात इदारों के तहफ्फुज की करारदाद पेश कर दी। मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन का 21वां इजलास अवामी नुमाइंदों की अदम दिलचस्पी। सिर्फ 2 डिप्टी मेयर इजलास में मौजूद। कई चेयरमैन और वाइस चेयरमैन भी ना पहुंचे। खातीन अराकीन भी कम शिरकत हुई। जो आई वो सेल्फी में मगन नजर आई। शहबाज शरीफ ने लाहौर के बड़े मंसूबे मुकम्मल किए। मेयर लाहौर पंजाब हुकूमत और ब्यूरोक्रेसी पर बरस पड़े। नून लीग के रहनुमा हमजा शहबाज की जेर सदारत अजलास। एमएनए मलिक रास, अली परवेज मलिक, एमपीए चौधरी शहबाज, बाबू अख्तर, तारिक मसीह किल के शिरकत। कारकुन में इलेक्शन में कामयाबी के लिए जान लड़ा दे हमजा शहबाज। लेस्को इकबाल टाउन डिवीजन में मुलाजमीन का एक्सिन के खिलाफ एहतजाज। मुलाजमीन ने काम बंद कर दिया। एक्सिन बशारत बशीर का रवैया हद तक अमेज। गालम गलोज करना मामूल बन गया मुजाहरीन का इल्जाम। पंजाब हुकूमत ने लाहौर में कब्जा माफिया के शिकंजे में जमीनों के अदालत शुमार जारी कर दिए। महकमे माल की 31,000 एलडीए की 636 केनाल अराजी पर कब्जा। महकमे जंगलात की 280 केनाल अराजी भी कब्जा माफिया के निर्गे में। वजीर आला पंजाब ने कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन को 1 माह में मुकम्मल करने का टास्क दे दिया। रेलवे की 3,62,449 के नाल अराजी पर कब्जा माफिया का राज। रेलवे की रिपोर्ट पर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने 2 कमेटियां तश्कील दे दी। रेलवे की तमाम अराजी को पूरा करने के लिए कमेटियां अपनी सतह पर अमल दरामद कराएंगी। शहर को तजावुजात से पाक करने के लिए ऑपरेशन। 2000 से ज्यादा तजावुजात पर सुर्ख निशान लगा दिए गए। कल से सफाया शुरू। सबसे पहले दत्तागंज बख्श, शालामार जोन, सब्जाजार, अनारकली, लेडी वेलिंगटन रोड और उर्दू बाजार में ऑपरेशन होगा। मेयर, डिप्टी कमिश्नर और डीजीएलडी कायादत करेंगे। वजीर आला भी ग्रैंड ऑपरेशन की मंजूरी दे चुके। हेलमेट की पाबंदी की खिलाफ वर्जी। 1 हफ्ते में 50,000 के करीब लाहौरिये चालान कटवा बैठे। 24 सितंबर को शुरू होने वाली मुहिम जारी। हेलमेट ना पहनने पर आज भी सैकड़ों चालान। हेलमेट ना पहनो तो फंसो, इशारा तोड़ो तो गाड़ी बंद। आम शहरियों के हो रहे हैं रोजाना सैकड़ों चालान, लेकिन कानून के रखवाले खुद ही बेलगाम। एक मोटरसाइकिल पर 3 सवार, हेलमेट भी नहीं पहना, इशारा भी तोड़ा। माल रोड पर कानून की खिलाफ वर्जी के फुटेज लाहौर न्यूज पर। ई चालान के तहत होने वाला जुर्माना कहां जमा कराएं, शहरी परेशान। पंजाब बैंक में ई चालान का अकाउंट ही फाल ना हो सका। 25,000 चालान के जुर्माने की रकम वसूल ना हो सकी।
सेफ सिटी अथॉरिटी ने जुर्माने की तारीख में तौसी कर दी। साबिक चेयरमैन मजदूरों वक्फ अमलाक बोर्ड आसिफ हाशमी के खिलाफ गैर कानूनी भर्तियों के केस पर समाअत, एहतसाब अदालत ने केस पर समाअत 13 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। आसिफ हाशमी पर गुज़श्ता समाअत पर फर्दर जुर्म आयद की गई थी। लाहौर से फैसलाबाद के लिए नई नॉन स्टॉप ट्रेन शेख रशीद ने लाहौर रेलवे स्टेशन पर इफ्तिताह कर दिया। वजीर रेलवे का सोरोस में 10 नई ट्रेनें चलाने का ऐलान। कुलियों की पुरानी वर्दी बहाल करने का हुक्म। गफलत बरतने वाले ऑफिसर को मुआफ नहीं करेंगे। रेलवे पटरी की हिफाजत ना करने वाला डीएस मुअत्तल होगा। वजीर रेलवे की प्रेस कॉन्फ्रेंस। साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रजा गिलानी की बेटी फिजा गिलानी के बेटे की गार्डियनशिप की दरख्वास्त मुस्तरद। बच्चा अभी छोटा है, माँ अकेली गार्डियन नहीं हो सकती, माँ बाप दोनों को हकूक हासिल हैं। फैमिली कोर्ट, फिजा गिलानी के शोहर से अलहदगी हो चुकी है। मिलक पार्क इन्वेस्टिगेशन पुलिस की कार्रवाई चंद रोज का भले अख्वा होने वाली खातून बाजियाब अख्वाकार मोहम्मद अशरफ और गिलशेर उर्फ गुल्लू को गिरफ्तार कर लिया गया। साठ साल शहरी को 18 साल बाद पुराना जीवन साथी दोबारा मिल गया। मोहम्मद अयास ने साल 2000 में अरशाद बीबी को तलाक दे दी। अरशाद बीबी ने भी 2005 में दूसरी शादी की। दूसरे शोहर की वफात पर अरशाद बीबी ने अब मोहम्मद अयास से दोबारा कोर्ट मैरिज कर ली। सूबाई वजीर सनत मियां असलम इकबाल की समानाबाद में खुली कचहरी, शहरियों के मसाइल सुने, मसाइल के हल के लिए मौके पर ही एहकाम जारी किए। सूबाई वजीर सोशल वेलफेयर और बैतुल माल मोहम्मद अजमल चीमा ने महकमे सोशल वेलफेयर में भर्ती 180 माजूर अफराद के तरबियती कोर्स का इफ्तिताह कर दिया। तरबियती कोर्स के पहले सेशन में जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद को ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रैफिक कानून से आगाही के लिए वॉक, सीटीओ कैप्टन रिटायर्ड लियाकत की स्कूल के बच्चों के हमरा शिरकत। शहरियों में हेलमेट की पाबंदी के हवाले से पॉकेट तकसीम किए। में जदीद सेरामिक्स टेक्नोलॉजी पर एक रोजा तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद। गैर मुल्की माहरीन तालीम की भी शिरकत। किंग फहद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर अब्बास सईद ने खसूसी लेक्चर्स दिए। 10वां इंटरनेशनल चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल शुरू, इफ्तिताह वजीर तालीम मुराद रास ने किया। फेस्टिवल में 29 ममालिक की 72 फिल्में दिखाई जाएंगी। फेस्टिवल 6 अक्टूबर तक जारी रहेगा। पाकिस्तान की पहली ब्लाइंड वुमेन क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया गया। चेयरमैन पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल ने टीम का ऐलान किया। ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर भी मौजूद थे। पीसीबी गर्ल्स स्कूल्स क्रिकेट टूर्नामेंट में तालिबात के चौके छक्के शानदार परफॉर्मेंसेस का मुजाहिरा। टूर्नामेंट में 16 स्कूल्स की टीमें आपस में टकराएंगी। और एशिया कप में टीम से ड्रॉप किए जाने वाले ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज की सुनी गई। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट स्क्वाड में शामिल कर लिया गया।